मौलवी हकीमुद्दीन सर बताएंगे जो हादसा हुआ है तो उस पे क्या कहना चाहिए। सर ये जो हादसा हुआ है 12 तारीख को, जैसा कि मैंने सुना कि ये लड़का डाक बंगले के सामने शॉप करता था, तो इसका नाम इरशाद अहमद है और वहाँ से कहीं ये गायब हो गया, तो दोपहर को खाना खाने भी नहीं गया, तो जब घर वालों ने देखा कि खाना खाने नहीं आया तो ये लोग सोचा होगा कि भाई कहीं दाएं बाएं गया होगा। जब शाम तक ये घर नहीं आया तो बाद में पता लगा कि शाम को उसकी है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है वो किसी ने बनबत ले जाकर वहाँ जंगल के अंदर ले जाकर उसको जो है उसका कत्ल किया हुआ है। जो ले जाने वाले हैं ये तो जाने, पुलिस कौन ले गया कैसे ले गया वो तो उनका जांच पड़ताल करनी उनका काम है, लेकिन यहाँ से एक आदमी दुकान करता हुआ अगर लेकर ले जाकर जंगल में जाकर उसको जो है उसका कत्ल कर दे और जाकर झाड़ियों में डाल के आ जाए, तो फिर हमारे इस पुंछ के अंदर जो इतनी जो है इस कदर इससे पहले कभी जो है ऐसा कोई जुल्म और सितम नहीं होता था, तो अगर यहाँ ऐसा होने लगा तो फिर तो किसी भी नौजवान का बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक आदमी अगर अपना काम करता हो और उसको यहाँ से उठा के ले जाए, और ले जाने वाले कौन लोग हैं ये जहाँ खुद पुलिस देखेगी, और कहाँ ले गए जंगल के अंदर बाउंड को उसको बेचारे को जो है कत्ल किया, और फिर वहाँ पता नहीं किसने देखा कैसे हुआ कैसे हॉस्पिटल आया ये सब पुलिस देखेगी, लेकिन हमारा काम है कि वो मेरा भतीजा था और उसको इतनी बेदर्दी से मारा हुआ है, जब उसके हमने जख्म देखे उसके सिर के जख्म देखे जिस्म के अंदर जख्म देखे, तो अपनी तरफ से ले जाने वाले उसको जो है बिल्कुल मार के जो है ख़त्म करके आ गए थे, लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा होने लगा तो फिर बहुत मुश्किल है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ SSP साहब से पुरजोर अपील है कि ऐसे मुजरिमों को जो इस तरीके से बद हरकत करते हैं और लोगों के जो है कातिलाना हमले करके लोगों को जो है कत्ल करते हैं उनको जो है फौरी जो है उनको ट्रेस किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा आने वाले नौजवान नस्ल जो है ऐसे गुंडों से और ऐसे जो है बदतरीन बदतरीन लोगों से जो है लोग महफूज रहें और बेगुनाह लोग जो है उसे बच सके। डॉक्टर अरूबा नसीर, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे जो डेड बॉडी आपके पास दिखा के इसका पोस्टमार्टम अभी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिटेल्स हैं, कहां का इसका छोड़ा है? ये जो बॉडी हमारे पास आई है मोहम्मद इरशाद की, सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, सन आरओ अड़ाई मंडी। बॉडी इस मॉर्निंग में रिसीव हुई अराउंड 9 AM। इसका पोस्टमार्टम किया था, हिस्ट्री ऑफ पॉलीट्रॉमा थी। पेशेंट पहले की कुछ दिन पहले हमारे DH पुंछ में आया था, यहाँ से रेफर हुआ था, काफ़ी अनस्टेबल था पेशेंट, जम्मू रेफर हुआ था, 5 दिन वहाँ इसका ट्रीटमेंट हुआ। तो हमारे पास आज बॉडी रिसीव हुई, इसका हमने ऑटोप्सी की है। एक्सटर्नली इस पर हेड इंजरी थी, स्टिचेस थे फोरहेड पे, ओवरऑल बॉडी पे राइट शोल्डर पे, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बोथ द लेग्स, एब्डोमिन बैक पे एब्रेशंस थे। हमने इसके विस्टार्स भी निकाले हैं, उसके लिए सीलिंग की है और रेफर सर के लिए भेजे। हमें फर्दर वेट करेंगे इसकी कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं, कोई सस्पेक्टेड होमिसाइडल है या सुसाइडल है। मोरओवर इसकी हम एक्सरेज भी करवा लेंगे बॉडी की, तो रिजल्ट्स आर वेटेड।